हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम लोग ने आया था पेट्रोल पंप और पेट्रोल फिलअप करवा लिया है और हम लोग जा रहे हैं सासाराम, जो कि अनप्लान था। बिल्कुल भी पता नहीं था कहाँ जाना है, बट इमीडिएट हमारे दोस्तों ने प्लान किया और हम लोग जाने वाले हैं। सो अभी हम लोग दोस्तों मिलाने हैं और हम लोग पास 3 बाइक है और बहुत लोगों ने दोस्त लोगों ने मुझे धोखा दे दिया क्योंकि 7.5 लोग जाने वाले थे, बट अब सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से वहीं। ये प्लान करने वाला मेरा दोस्त राजदीप सब इसी का किया हुआ है। आ चुके हैं हम लोग सोन नदी और अभी हम मिला रहे हैं आपको अपना पवंडर भाई से। पवंडर इधर भाई, सारा भाई पवंडर इधर है, सारा भाई का सुंदर उधर है। फाइनली सासाराम आ चुके हैं, आप देख सकते हो सासाराम जंक्शन। यहाँ से एक दोस्त को लाना था, वो आ चुका है स्टेशन, अब उसको लेकर चलेंगे। और ये देखो वाइट टी शर्ट पहन के आए थे और ये जॉगर्स, इतना ज़्यादा डस्ट पड़ा कि पूरी वाइट से ब्लैक हो चुका है और दोस्तों का भी यही हाल है। अभी आपको से मिलाता हूँ वो लड़का से जो ऐसे हरकत किया। जो ये है जिसने ये हालत किया छपरिया के, देखिए छपरी के हमारे कॉलेज का छपरी लौंडा, अभी फेस वॉश मसाज करेगा उसके बाद जाएगा, बोलेगा फोटो खराब आ रहा है भाई। और ये मसाज चल रहा है यहाँ पे इतना ज्यादा डस्ट भर गया है कि तो हालत पहन। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिरसा सूरी के मकबरा, उसके सामने है मेरे पीछे, और हम लोग अभी फेस वॉश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गया था फेस पे और अभी अभी रेडी हो रहे हैं। सो अभी अंदर जाके दिखाते हैं, बट उससे पहले आपको एक घोटाला दिखाता हूँ, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, इंडियन 25 टिकट है और फॉरेनर के लिए 300 टिकट, यहाँ मीन्स उल्लू बनाया जा रहा है और अभी हम लोग करवा रहे हैं 25 का फॉर टिकट। तो अभी इधर है मेरे दोस्तों, इसके बाद निकलते हैं। क्या है मतलब है, कोई आएगा कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इंडियन का यही है। $25 कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाता, हमारा भी भुतिया करता बहुत अच्छा वाला, बहुत अच्छा करता है 300 रुपये। तो यहाँ पे टिकट चेक हो रहे हैं, टिकट अरे काले के लॉज नहीं। सो आ चुके हैं हम लोग सिरसा सूरी का मकबरा और ये व्यू है। हारा भाई गैंगस्टर, व्यू काफी लाजवाब है, अब तो मजा आएगा फुल्ली। सो ये कुछ ऐसा व्यू है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ का लोकेशन। और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है और घूमते हैं मजा करते हैं। चलो ठीक है, व्यू तो काफी ऑसम है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आकर। मॉर्निंग टाइम अभी टाइमिंग हो चुका है, 10 बज चुका है और हम लोग 10 बजे से आए हुए, तो अब घूमते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने लायक। सो चलिए देखते हैं और क्या। इदो जबेरे, इदो जबेरे,
का एंट्री गेट और इसी से इंटर करते हैं और अंदर देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइम तो है मेरा, सो देखते हैं क्या है। अंदर जूता चप्पल खोलने में भाई, सो ये है मगमरा और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, कुछ लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं है, सो शायद वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, देख सकते हो ये। कितना खतरनाक बनाया होगा। सब ऊपर ही देख रहे हैं कितना ज्यादा ऊंचा है। यहाँ ज़्यादा बात करने का जगह नहीं है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति है। और गार्डन कर भी समझा रहे थे यहाँ बाहर में बात करो, सो बाहर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हो बाहर का व्यू। सब चलिए चलते बाहर में दिखाते हैं। जंगल ही बोल रहे थे बाहर जाके फ़ोटो वोटो लीजिए, यहाँ पे उतना नहीं करने का, तो चलिए बाहर में देखते हैं। और क्या तभी यहाँ का 360 व्यू दिखाते हैं आप लोगों का, कितना मस्त लग रहा है एकदम से, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का 360 व्यू आप लोगों प्यारा लोकेशन है, बहुत ही मज़ा आया और फोटो वोटो तो शूट कर लिए हैं, बट एक ही लोकेशन नहीं कैप्चर करना है। आज हम लोग आए थे 3 बजे से निकले हुए और अभी बहुत सारे लोकेशन को कैप्चर करना है जो कि यहाँ घूमने लायक है। तो अभी चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या घूमने का, तो चलिए और भी कुछ देखते हैं, एक पूरा सीरीज ही बनाते हैं सासाराम का। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। Okay, all right. My side. हट जो व्यू लेती है।